Then he made sign to the devil, his master. Devil ne, devil ko ishara kiya tha, dekho ye kya ho raha hai. See, he said, that's the man who made no trouble when he lost his only piece of bread. Dekho, wo yehi pasand hai, jab uska matre ek chota sa bread ka tukda, roti ka tukda tha, wo khoya hai, wo kaam kar raha tha, bhookha tha, tab bhi usne gussa nahi kiya hai. Usi waqt wo bread lene walon ko aashish de rahe the. And the very person now he is getting angry. वो अभी गुस्सा हो रहे हैं. The person is still shouted angrily at his wife. और चिल्लाकर अपना वाइफ से गुस्से से कह रहे हैं. And began to carry the drink to his guest himself. तो फिर क्या है, खुद अपने बीवी से चिल्लाते हुए खुद वो वोडक अपना गेस्ट के लिए लेके आने लगा. Just then the poor person who had not been invited came in. तब एक गरीब पर्सन, he was not invited. You see, this person invited all rich, wealthy persons. बाकी जो उसके फ्रेंड्स से वेल्दी लोगों को बुलाया था, and there came ये poor person, एक गरीब पर्सन भी उधर आ गया, who had not been invited. उसको इन्वाइट नहीं किया गया था. On his way from work, वो काम से वापस लौट रहे थे, वापस जा रहे थे, तब रास्ते पर इधर आ गया. He greeted everyone. वो आते ही सबको सलामी किए, sat down, नीचे बैठा, and saw that they were drinking. उन्होंने देखा है ये सब पी रहे हैं. He was tired after his day's work. उसे उनका काम करके वो बिल्कुल थके हुए थे, and felt that he would like a drop of vodka. वो भी चाहते काश मुझे भी इसमें थोड़ा सा पीने के लिए मिलता, because he was too tired. He sat and sat. वो बैठा रहा. Getting thirstier and thirstier, वो प्यासा होते बैठा रहा. But the host did not offer him any, but only said, "Is the host a host means a मेजबान." वो उसको कुछ दिया भी नहीं, मात्र यही कहा, "I cannot find drink for everyone who comes here." इधर आने वाला सबके देने के लिए मेरे पास ड्रिंक तो नहीं है, ये कहता रहा. And he did not serve for this poor person. This pleased the devil. ये तो devil को पसंद आया. But him laughed happily and said, पर him ने हंसते हुए कहा, wait, रुको, there is more to come yet. अभी पूरा हुआ नहीं, और नजारा देखना का है, तो wait करो. The rich person drank and their host drank too. ये रिच पर्सन है, वो भी उसका होस्ट है या मेजबान है, मेहमान के रूप में आए, सारे रिच पर्सन है, वेल्दी हैं, वो सारे लोग पी लिया है, वो मेजबान होस्ट यानी ये हमारे जो पर्सन है वो भी पी लिया. दे बिगन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर. ये दूसरों का नाइस थिंग तारीफ करने लगा. एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, झूठी बातों से और वो स्पीच देने लगा. ये दूसरों का तारीफ में झूठी बात बोलकर तारीफ कर रहे थे. द डेविल लिसेंड एंड लिसेंड एंड प्रेज्ड हिम. अरे ये सारे लोग झूठी बातें बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये देखकर डेविल खुश हो गया है. प्रेज्ड हिम, इनका तारीफ किया, तुमने इस पर बहुत अच्छे काम किया है, तारीफ किया. इफ द ट्रिक मेक देम सो मच लाइक बॉक्सर्स that they begin to cheat each other, soon they will all be in our hands. अगर ये ट्रिक से वो इतना झूठ बोलने लग जाते हैं, the tricks make them so much like foxes. ये कैसे हो गया है, फॉक्स के समान बनाए हैं. फॉक्स आप जानते हैं चालाक, तो चालाक के लिए एक पर्यायवाची है synonym है फॉक्स. अभी ये ट्रिक क्या बना लिया है, इन सबको चालाक बना लिया, फॉक्स बनाया है. So this drink made them like a fox, and they begin to cheat each other. अगर if they are foxes, अगर fox हैं तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो चालाक बन गया तो certainly they cheat each other, ये दूसरों का धोखा देगा. Soon they will be in our hand, जल्दी ये सारे लोग हमारे हाथ में आ जाएगा, हम devil लोगों का हाथ में आ जाएगा, यानी हमारे हिस्सा बन जाएगा. Wait for what is coming, said the inn. इन्होंने कहा, अरे देखो पूरा हुआ नहीं, नजर और बाकी, अब देखो, let them drink another glass each. एक एक ग्लास और पीने दो उनको, उसके बाद हम देखेंगे और क्या हो रहे हैं.
Now they are like foxes. अभी वो फॉक्स के समान है, चालाकी से बात कर रहे हैं, दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, लाइक करके तारीफ कर रहे हैं. Shaking their tails and trying to please each other, but soon you will see them like a fierce wolves. अभी क्या कर रहे हैं, अपना अच्छा पूंछ हिला कर एक दूसरों को खुश करने के लिए झूठी झूठी बातों का भाषण दे रहे हैं, एक दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, they are speaking nice things about each other. ये दूसरों का अच्छी बात कर रहे हैं. बट वेरी सून यू कैन सी, यू विल सी देम लाइक अ फियर्स वुल्व्स. वो फियर्स क्रूर डरावना वुल्व्स के समान, भेड़ियों के समान वो बन जाएगा. अभी जल्दी आप देखेंगे. द पर्सन ड्रैंक अनदर ग्लास ईच एंड देयर टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर. एक एक ग्लास और पीने के बाद द टोन ऑफ देयर टॉकिंग चेंज्ड, उनका बात करने का तरीका बदल गया है. They became rougher and rougher. उसका जो बात है रफ बनते गया है, क्रूर बनते गया, कठोर बनते गया है. And wilder यानी जंगली बात है, जंगली के साथ में बात कर रहे हैं. Instead of making soft speeches, अच्छे अच्छे बातें पहले शुरू किया था वो बोलने के बजाय they began to grow angry and shout at one another. Now they each got angry and shouted at each other. ये दूसरों का ऊपर चिल्लाने शुरू कर दिया. Soon they began fighting and hit one another on the nose. जल्दी वो लड़ने शुरू कर दिया. पहले अच्छे बात कर रहे थे, अभी ये दूसरों को गुस्सा करने लगा है. And now they started to hit each other and they been fighting and hit one on the nose. क्या है उसका, दूसरों का नोज पर हिटिंग किया है. The host joined the fight and he too was well beaten. Host मेजबान भी उसका फाइट में शामिल हो गया. And he was too well beaten. वो भी अच्छी तरह पीटा गया है, तो आपस में पिटाई हो गया. The devil watched all this with great delight. बहुत delight, मजे से ये devil ये सब देख रहे थे. This is fine, he said. उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. But he replied, wait, the best is yet to come. अरे ये नजारा और मजेदार अभी आने वाला है, वेट करो, थोड़ा तसल्ली रखो. Wait till they have had a third glass. तीसरा ग्लास वोडका पीने तक तुम वेट करो. Now they are fighting like wolves. अभी ये भेड़िया के समान वो लड़ रहे हैं. But let them drink one more glass and they will be like pigs. एक एक ग्लास और पीने के बाद वो अभी आप देख लेना पिक के समान हो जाएगा, सूअरों के समान हो जाएगा. The person had their third glass and started to behave like just like animal. ये person से सारे किसान अगला ग्लास और पी लिया है, उसके बाद बिहेव लाइक एनिमल, जानवर के समान का व्यवहार करने लगा. They made strange noises. वो अजीब गरीब आवाज निकालने लगा, शाउट चिल्लाने लगा विदाउट नोइंग व्हाई. उसको मालूम नहीं किस लिए चिल्ला रहे हैं, वैसे चिल्ला रहे हैं. आई डिड नॉट लिसन टू वन अनदर. ये दूसरों के बात ही सुन नहीं रहे, अपना चिल्लाते जा रहे हैं. Then the guest began to go. तो गेस्ट है, मेहमान आए थे, सब जाने के लिए तैयार हो गए. सम वेंट अलोन, कुछ मेहमान अलोन अकेले चला गया. सम इन टूस, कुछ मेहमान अपने आप चल नहीं सकते थे, दो दो मिलकर जाने लगा. एंड सम इन थ्रीस, कुछ लोग तीन तीन लोग मिलकर जाने लगा. ऑल वॉकिंग अनस्टेडली, सारे लोग ऐसे वो चल रहे, वॉकिंग अनस्टेडली नॉट स्टेडली, वैसे वो आराम से जा नहीं सकते. आप देखो अगर दारू पीने के बाद लोग कैसे अनस्टेडली, वैसे अनस्टेडली चल. बट दिस वे देन दैट वे अलॉन्ग द स्ट्रीट, इन दिस वे एंड दैट वे, वैसे इन zigzag में वो आने जाने लगा स्ट्रीट में. द होस्ट वेंट आउट टू से गुड बाय टू हिज गेस्ट. ये होस्ट है, मेजबान भी बाहर चले गए टू से गुड बाय टू द गेस्ट, गेस्ट को गुड बाय बोलने के लिए. बट ही फेल ऑन हिज नोज इन सम वाटर. वो अपने चेहरे का बल किसी पानी पर गिर गए. कवर्ड हिमसेल्फ विद अ मड, वो पानी कीचड़ कीचड़ था, कीचड़ नहीं, कवर्ड हिमसेल्फ विद अ मड, पूरे शरीर में मड हो गया. From head to foot, उसका सिर से लेकर पाँव तक मड है, कीचड़. Lay there making noise like a pig, उसी कीचड़ में वो ऐसे पड़ा रहा. Making noise like a pig, पिग के समान आवाज करते हुए. ये नजारा कभी आप भी देखा होगा दारू पीने के बाद लोग ऐसे
नालों में गिर जाते, वैसे पड़े रहते, कुछ ना कुछ बोलते, पता नहीं क्या बोल रहे, मेकिंग नॉइस लाइक के समान आवाज करते हुए। दिस पर्सन प्लीज द डेविल इवन मोर, ये देखकर डेविल को और ज्यादा अच्छा चला गया, मजा आ गया। वेल ही सेड, उसने कहा, यू हैव डिस्कवर्ड अ फाइन ड्रिंक एंड हैव क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड। अरे तूने बहुत अच्छे पेय पीने का जो चीज है तूने डिस्कवर किया है, एंड क्वाइट मेड अप फॉर योर मिस्टेक अबाउट द ब्रेड, ब्रेड के संबंध में तूने गलती की, उसका भरपाई के लिए तूने बहुत अच्छे एक ड्रिंक का आविष्कार किया है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड, अभी तुम मुझे बताओ ये ड्रिंक, ये दारू तुम कैसे बनाता है। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, यू फर्स्ट पुट इन टू फॉक्स ब्लड दैट मेड द पर्संस एज क्लेवर एज फॉक्सेस। तुम शायद सबसे पहले ये दारू बनाया पहने पर उसके अंदर फॉक्स लोमड़ियों का खून डाल दिया होगा, इसलिए सबसे पहले ये लोग पीने पर लोमड़ी के समान चालाक बन गए थे। देन आई सपोज यू आर्ट द ब्लड ऑफ वुल्स, शायद उसके बाद तुम भेड़ियों का जो वुल्स का जो ब्लड है उसके अंदर जो मिलाया होगा, इसलिए बाद में भेड़ियों के समान वुल्स के समान व्यवहार कर रहे थे। दैट इज वॉट मेड दम फियर्स लाइक वुल्स के समान भयानक बनाए थे। एंड एट द फिनिश लास्ट में यू मस्ट हैव पुट इन ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक देम बिहेव लाइक पिग, लास्ट में तूने उसके अंदर सुअरों का खून डाल दिया होगा कि वो सुअर के समान व्यवहार करे। नो सेड आई, नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट दैट वे, मैं ऐसे कुछ भी नहीं किया, कोई खून उसके अंदर लोमड़ी का या भेड़िए का और पिका कोई खून मैंने उसके अंदर नहीं मिलाया। आई ओनली मेड सर्टन दैट पर्सन हैड मोर कॉर्न दैन ही नीडेड, मैंने ये चीज का सुनिश्चित किया है पर्सन को इतना कॉर्न होना चाहिए जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा। आई ओनली मेड सर्टन, मैंने ये सुनिश्चित किया दैट द पर्सन हैड मोर कॉर्न दैन ही नीडेड, उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा कॉर्न उसके पास हो। द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन मैन, ये जंगली जानवरों का खून इंसान के अंदर है। बट as long as men have only as much corn as they needed, जब तक इंसान को उसका उसके लिए जितना चाहिए उतना ही corn है, यानी खाने का वस्तु है, जितना चाहिए उतना ही है, यानी ज़्यादा उसके पास नहीं है। इट इज kept under control, उनका जानवरों का जो जो स्वभाव है kept under control, काबू में रहेंगे। एट दैट टाइम द पर्सन डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लूजिंग हिज पीस ऑफ ब्रेड, उसी वक्त पर्सन अपना जो ब्रेड का रोटी का जो टुकड़ा खोने पर उसने गुस्सा नहीं किया था, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, ट्रबल हुई नहीं परेशानी। बट वेन ही मेड कॉन टू स्पेयर ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्रेशर आउट ऑफ इट, जब उसको ज्यादा कौन उसके पास आया है तब उसमें से अपने आप को खुश रखने के लिए प्लेशर उसका मजा लेने के लिए उसने कुछ तरीका अपनाया। He looked for ways of, looked for means ढूंढना, looked for ways, उसने तरीका ढूंढा है getting pleasure out of it, जो ज्यादा एक्सेस है उनके पास ज्यादा है उस चीज का मजा लेने का तरीका ढूंढा। And showed, I showed him pleasure drinking, and when he began to ten gourds good gift into strong drink for his own pleasure, तब मैं उसको ये तरीका बताया है ड्रिंक बनाने का या वोडका बनाने का, यानी दारू बनाने के लिए। जब वो वोडका जो गिफ्ट है खाने के लिए जो चीज़ है उसने क्या किया, चेंज इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक रूम में बदल दिया है। एंड गिव हिम ड्रिंकिंग एंड व्हेन ही बिगन टू टेन गॉड्स गुड गिफ्ट इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ऑन प्लेजर, अपना खुद का खुशी के लिए गॉड ने उसको खाने के लिए गिफ्ट में दिया जो अच्छी जो वस्तु है उसी को जो अपने प्लेशर के काम में ले लिया है। द ब्लड ऑफ द फॉक्स द वुल्फ एंड द पिग इन हिम ऑल शोल्ड हिज सेल्फ, है ना, पहले ये सारे इंसान के अंदर ये सारे ब्लड हैं, सारे जानवरों का ब्लड है, तब उसका प्लेशर मिल जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, तब क्या करेगा,
जो अपने आप वो अपने काबू में नहीं रहेगा, ये जानवरों का ब्लड है, वो जानवरों का तरह हरकतें करने लग जाते हैं। तो बोल वांट टू पिक बिगे इन हिम ऑल शॉर्ट इसल, अपने आप ये बागर में कलाया है सारे जानवरों का गुण। इफ ओनली ही गोस ऑन ड्रिंकिंग ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल। इफ ओनली ही गोस ऑन ड्रिंकिंग, वो पीते जाएंगे, ही विल ऑलवेज बी ए वाइल्ड एनिमल, हमेशा वो ये डेविल का इच्छा है। इफ ओनली काश ये हमेशा ये पीते जाए तो क्या करेगा, उनका खून में जो सारे जो वाइल्ड एनिमल्स का खून है, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स का जो स्वभाव है, वैसे हमेशा वो करता रहेंगे, इंसान नहीं रहेगा। द डेविल प्रेस्ड हिम, डेविल ने इनको उनका तारीफ किया है। फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक्स, का पहला जो मिस्टेक है उसका माफ किया है। एंड गेव हिम ए पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, अपना राज्य में, किसका, डेविल का राज्य में एक अच्छा पोजीशन भी इनको दे दिया। ओके, इज द स्टोरी ऑफ योर टॉलस्टॉय। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी, स्टोरी एंजॉय किया है। एंजॉय करने के साथ साथ आप ये समझ लेना आपके अंदर भी कुछ जानवर है या जानवर का ब्लड है। वो ब्लड बागर नहीं आएंगे, उसका कंट्रोल करना है आपको। रिमेन ह्यूमन भी, आपको इंसान बनकर ही रहना है। आप देखा होगा ये कैसे इंसान से जानवर बन गया है, उसका प्लेशर से ढूंढा है। इसी वजह से हमें ज्यादा प्लेशर के पीछे जाना नहीं जाएगा तो इंसान बनाएंगे। आप देखा होगा चोरी करने वाला ये सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा काम करे बिना मतलब जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आसानी का तरीका अपनाते हैं। जैसे जितना क्राइम आप देखेंगे, ये सारे क्राइम एक जानवर का व्यवहार है। अब देखो होगा जानवर हैं, ये दूसरों को मारते हैं, खाते हैं, ये सारे काम करते हैं इंसान, तभी करते हैं व्हेन दे सीक प्लेशर, वो प्लेशर सीक करते हैं। इसलिए वी मे नॉट सच प्लेशर, हमें ऐसे प्लेशर तो नहीं चाहिए। सो रीडिंग दिस लेसन अगेन and think about it and control yourself and be a good human.